अलग अलग जगहों से 50 से ज्यादा नकलचियों और सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार से खास बातचीत की। से दो दिन से लगातार परीक्षा चल रही थी पुलिस भर्ती को लेकर, और उन्हीं सारी चीजों के बीच में एक बड़ा गुडवर्क किया गया है। दो दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मुन्ना भाई बनकर नकली परीक्षा करने की कोशिश कर रहे थे और टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर मौजूद है। सर, जिस तरह से ये बड़ा एक खुलासा हुआ है, तमाम लोगों को गिरफ्तारी की गई है, अब तक की देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है, तो क्या कहते हैं सर इन सारी चीजों को देखते हुए, और क्या लगता है जो परीक्षा है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ थी? देखिए, अब की बार हम लोगों ने इस भर्ती में आप देखेंगे कि अप्रत्याशित और अभूतपूर्व सफलता भर्ती बोर्ड की और पुलिस विभाग की है, क्योंकि अब पिछले आप कई भी सालों में आप वापस चले जाएं तो कभी न कभी कोई न कोई इंसिडेंट या कोई न कोई आरोप लगता था। अब की बार भर्ती के प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल फेयर और फुल प्रूफ और फेल प्रूफ बनाया गया। इसके लिए बहुत मंथन किया गया, TCS जैसी एक प्रभावी संस्था को इसमें एंगेज किया गया, और आप अवगत हैं कि कल और आज की जो भर्ती हुई है किसी प्रकार का कोई एलिगेशन अब तक हम लोगों के सामने नहीं आया है। अब भूतपूर्व सफलता के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। मैं इसके लिए अपने सारे भर्ती बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पुलिस के अधिकारी, फील्ड के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसको संपन्न कराया, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, आखिरकार कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या क्या चीज़ों की बरामदगी की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नकद जो पैसा है वो बरामद किया गया, तमाम लोग गिरफ्तार किए गए, नंबर्स ऑफ अरेस्टिंग कितनी है सर? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 40 के करीब तो STF ने गिरफ्तार किए हैं और कुछ जिलों में गिरफ्तारी हुई है 15-20 के आसपास, तो लगभग 50-55 लोगों की गिरफ्तारी आप मान के चलिए इसमें की गई है। कुछ लोगों के ऊपर एक प्रत्यक्ष आरोप था, कुछ लोगों को इसमें मुन्ना भाई बन करके उसमें पार्टिसिपेट करने की के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, बट विभिन्न तरीकों से STF ने, जिला पुलिस ने बहुत ही मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के ये सुनिश्चित किया है कि पूरी भर्ती की प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित नहीं हो और प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करनी थी आपसे ADG लॉ एंड ऑर्डर सर, जिनका सीधे तौर से कहना है कि ये परीक्षा जिस तरह से फुल प्रूफ कराने की प्रशासनिक अमले की पूरी मंशा थी, उन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनजर किया गया। खास बात ये रही कि खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर और साथ में DGP साहब फील्ड पर रहे और एक एक जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की और कहीं से भी इस बात की तरफ अंदेशा नहीं होने दिया कि अगर आपके मंसूबे इस परीक्षा को खराब करने के हैं तो उस पर पैनी निगाह हमारी है। कैमरामैन धीरे के साथ अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ।